बच्चों आप तुम लोग करके देखो, चलो तुम करो, तेरे पास सुना पा रही है ना, उसको जांच करके देखो, और तुम सिरका टेस्ट करके देखो, और तुम दही करो, ठीक है? हम लोग लिटमस पेपर से करेंगे, क्या है देखो, करके देखो। नीला लिटमस पेपर किसका लाल होता है, लाल लिटमस पेपर किसका नीला होता है। और खुशी तुम यहाँ पता तुम करके देख ली ना, अब देखो नीबू नीला लिटमस पेपर को क्या किया, करो देखो उसको टिक करो। हाँ रेड। पहले सबको टिक कर लो, इमली भी टिक हो गया, दही भी टिक हो गया। हाँ मतलब ये तीनों क्या हो गया, ये तीनों आम है, चलिए तो आम। अच्छा पहले, अच्छा उसको बाद में लिखना, पहले देखो कि सर अचूना कैसा होता है, कलवा। तो ये किसको बोलो, किसको नीला किया, चूना कालवा होता है, तो ये लाल लिटमस को नीला करता है, करो ठीक है? तुम्हारा बाबू, तुम चूना पानी ली थी ना, तो लाल रंग का लिटमस पेपर तेरा कैसा हो गया, लाल लिटमस पेपर नीला हो गया, यानी तुम्हारे पास क्या है, छार है। चूना पानी क्या था, छार, छार में टिक लगा दी, लिख दो छार, यहाँ छार लिखो, यहाँ आम लिखो। तुम्हारा बाबू सिरका टेस्ट में कैसा होता है, सिरका टेस्ट करके देखो, खाती है ना, देखो चाट के देखो, चाट कर देखो। हाँ दिक्कत, चाट के देखो कैसा है, खट्टा। तेरा को नीला लिटमस पेपर कैसा हो गया, लाल, लाल हो गया ना, ठीक है। तो यानी कि वो क्या है, खट्टा चीज आम और कड़वा चीज छाछ, ठीक है? चलो आप इसी तरह बाकी सबका भी जांच करके देखो कि शैंपू क्या है, चूना क्या है, ठीक है? चलो चलो आप, हम लोग उदासीनीकरण के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, उदासीनीकरण। तो हम थोड़ा सा हल्दी, देखो चूना पानी, चूना कैसा होता है, रंग सफेद 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 है। हाँ इसमें हम सिरका डालते हैं, तो चूना पानी होता है छार और सिरका होता है आम, तो देखो डालने से कैसा होगा। थोड़ा देर में चूना पानी सादा हो जाएगा, और इसके नीचे में देखो कुछ बैठ गया ना, हाँ यही हो गया लवण, लवण क्या है, लवण। लवण और चूना का पानी का रंग कैसा हो गया, अब सादा पूरे सब मैंने फीका हो गया ना, हाँ तो इसी को फीका वाला कहते हैं सादा। उदासीनीकरण, ठीक है? तो अब हम लोग क्या क्या सीख गए, आम के बारे में, छाल के बारे में और लवण के बारे में। अब तुम लोग सब, तुम्हारे पास सुबोध कार्य पत्रक है ना, सुबोध कार्य पत्रक का, कार्य पत्रक 5 का पृष्ठ संख्या 40 और 41।